प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोली दंडिका जी। निरंकार गुरु निसेवक का पर्दा खुद ही ढकता है, संकट कष्ट मुसीबत में यह हाथ से इस पर रखता है। मान बढ़ाई देने वाला दास को इज्जत देता है, अपने नाम के सिमरन की यह दास को हिम्मत देता है। मालिक सेवक की हरदम मान बढ़ाई रखता है, मालिक अपने सेवक पर ही पल पल रहमत करता है। इस मालिक के सेवक का ही रुतबा सबसे आला है, इस मालिक का सेवक होता सब दुनिया से बाला है। जिस सेवक को मालिक बख्शे महिमा उसकी अपरंपार, कहे अवतार आज्ञा से उसकी तर सकता है कुल संसार। तो यहाँ पर स्वामी और सेवक की बात की जा रही है कि स्वामी सेवक एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। कि भक्ति जो है ये भावना प्रधान होती है, भक्ति भावना। और जब हम इस स्वामी के हवाले हो जाते हैं, स्वामी के बन जाते हैं, इस स्वामी के सेवक बन जाते हैं, तो फिर ये गुरु निरंकार रीझ जाता है। निरंकार गुरु निसेवक का पर्दा आप ही ढकता है, संकट कष्ट मुसीबत में यह हाथ से इस पर रखता है। ये जो मालिक खालिक निराकार है, फिर अपने सेवक की पल पल रखवाली करता है, पल पल निगरानी करता है कि मेरा सेवक कैसा है, मेरे सेवक को कोई तकलीफ तो नहीं है। जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई संकट आती है, तो ये निराकार गुरु पल भर में आकर के मुश्किल का हल निकाल देता है, मुश्किल को सॉल्व कर देता है। जिन्हें है आसरा तेरा, उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट का कभी भी कम नहीं होता, बहारें कुल जमाने की सदा रहती हैं उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई भी रुकावट नहीं है जो गुरसिक का रास्ता रोक पाए, क्योंकि गुरसिक के साथ गुरु खड़ा होता है। गुरु समर्थ सिर पर खड़ा, कहां कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छाने पास। कि समर सदगुरु का हाथ सर पे होता है, ये त्रिलोकी नाथ है, तीन लोक का मालिक। हम कहते हैं कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होई। कि ये जो मालिक खालिक है, ये निराकार है, ये हमेशा अपने भक्त का रखवाला है। भक्त के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, क्योंकि सदगुरु मेहरबान रहता है। ये स्वयं अपनी महिमा का गुणगान गवाता है, मान बढ़ाई देने वाला दास को इज्जत देता है, अपने नाम के सुमरण की यह दास को हिम्मत देता है। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि यही मान बढ़ाई देता है। अगर ये मान बढ़ाई हो रही है और ये जो इज्जत मिल रही है, तो यही करवा रहा है, यही अपने नाम के सिमरन की शक्ति दे रहा है, यही तो सिमरन करवा रहा है। जब तक ये नहीं चाहेगा, इसका नाम कोई ले नहीं सकता है, इसकी भक्ति कोई कर नहीं सकता है, तो ये आप ही भक्ति करवाता है, अपनी सेवा करवाता है, अपने नाम के सिमरन की यह दास को हिम्मत देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है कि हम इसकी भक्ति कर पाए। मालिक सेवक की हरदम मान बढ़ाई रखता है, कि हमेशा ये मान बढ़ाई रखता है। जहां भी सेवक जाता है, उसको मान बढ़ाई ही मिलती है, क्योंकि सदगुरु का साया हमेशा सेवक के साथ होता है, सदगुरु मेहरबान होते हैं अपने सेवक पर। तो प्यारी सत्संगत जी, हमने ऐसा सेवक बन जाना है, सच्चा सेवक, दिल से दिल के तार जुड़ जाएं, सोच से सोच मिल जाए। जब सदगुरु की सोच हम पकड़ लेते हैं ना, हमारे मन मंदिर में सदगुरु विराजमान होते हैं, तो फिर हमारे जो कदम है ना, वो सेवा की तरफ ही चलते हैं, सत्संग की तरफ चलते हैं, और फिर हम सिमरन करने लग जाते हैं। तो हमारी सोच में सदगुरु होने चाहिए। मालिक अपने सेवक पर ही पल पल रहमत करता है, कि ये हमेशा रहमत करता है। रहमतों की बरसात होती है, दिन रात होती है, सुबह शाम होती है, हर पल होती है।
ये रहमतें बरसाता ही रहता है, रहमत लुटाता ही रहता है, क्योंकि अपने सेवक से प्यार करता है। भगवान भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और भक्तों के वश में है भगवान। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि हम सत्वचनी बने, जैसा गुरु आदेश उपदेश देते हैं वैसा करें। जब हम गुरु के कहे अनुसार चलेंगे, गुरु के अनुसार कर्म करेंगे, तब ये मेहरबान हो जाता है। गुरु का वचन निरंकार है, अब निरंकार को जीवन में उतारना है तो कैसे उतारना है? सभी से प्यार करना है, सभी का सम्मान करना है। सहनशीलता, विनम्रता, दया, क्षमा जो गुण सदगुरु ने हमें बताए हुए हैं, तो ये गुण हमारे कर्मों में आ जाएं। जब ये गुण हमारे कर्मों में आ जाते हैं, सारे सदगुण दिव्य गुण, जब हम जीना शुरू कर देते हैं, इस ज्ञान को जीना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये निरंकार रीत जाता है, निरंकार खुश होता है और हमेशा हमारे साथ रहता है, पल पल हमारे पास रहता है। इस मालिक के सेवक का ही रुतबा सबसे आला है, इस मालिक का सेवक होता सब दुनिया से वाला है। कि जो इस निराकार, इस मालिक खालिक का सेवक है, उसका रुतबा बुलंद होता है, सबसे अव्वल हो जाता है, क्योंकि ये भगवान अपने भक्त को प्रकट कर देता है। भगवान राम ने हनुमान जी को प्रकट कर दिया, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति में शक्ति थी। तो अगर हनुमान जी की तरह हम भी भक्ति कर रहे हैं, सत्वचनी हैं, अपने सदगुरु के आदेश उपदेश का पालन कर रहे हैं, तो ये सदगुरु हमारा रुतबा बुलंद कर देता है, सबसे आला बना देता है। सदगुरु रंग को राजा बना देता है। हम सब अपने जीवन में जाकर देखे झांके कि हमारा पिछला जीवन कैसा था। जब हमने ज्ञान लिया, सेवा सत्संग सिमरन करना शुरू किया, उसके बाद फिर हमारा जीवन कैसा हो गया, तो जीवन बदल जाता है। सत्संग सेवा सिमरन करने से सबका जीवन बदला है। जो भी निरंकारी मिशन में आए हैं, सभी का अपना अपना अनुभव एक्सपीरियंस है। तो ये जो मालिक है, ये अपने सेवक को प्रकट करता है। इस मालिक का सेवक होता सब दुनिया से बाला है। ये उसकी शान निराली होती है। जिस पर ये सदगुरु मेहरबान हो जाता है, तो उस सेवक की शान निराली होती है। दुनिया में जहां भी जाता है उसको इज्जत मिलती है, उसकी पूजा होती है। जिस सेवक को मालिक बख्शे महिमा उसकी अपरंपार, कहे अवतार आज्ञा से उसकी तर सकता है कुल संसार। कि जिस सेवक को ये निराकार बख्श देता है, अपनी शरण में ले लेता है, हर पल निराकार ऐसे भक्तों की रखवाली करता है, सहारा देता है, जिस पर सदगुरु खुश होता है, ये निराकार खुश होता है, तो उस सेवक की महिमा अपरंपार हो जाती है। और जो ऐसा सेवक होता है, वो सारे संसार को भी तार देता है, क्योंकि सदगुरु उस सेवक के अंदर विराजमान हो जाते हैं। सदगुरु अपने सेवक के माध्यम से कार्य करते हैं। ये निराकार सदगुरु सेवक के घट में बैठकर सारे संसार को तार देता है। ये जरूरी नहीं है कि सदगुरु माता जी साकार शरीर रूप में हमारे सामने आए। माता जी अपने किसी गुरसिक के अंदर बैठकर भी सारे काम कर देती हैं। हर गुरसिक के अंदर सदगुरु माता जी विराजमान हैं। तो हमने हर गुरसिक का सत्कार करना है, क्योंकि तो माता जी अपने सेवक के माध्यम से, अपने गुरसिक के माध्यम से संसार को तार रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह सत्संग ऑनलाइन हो रहे हैं, जो जूम की सत्संग हो रही है, कॉन्फ्रेंस की सत्संग हो रही है, जो गुरु चर्चाएं हो रही हैं, तो सदगुरु माता जी सब करवा रही हैं। माता जी ने आज घर घर में संगत को पहुंचा दिया, क्योंकि तो जमाना इंटरनेट का है, जमाना ऑनलाइन का है, तो सदगुरु अंतर्यामी होते हैं, सब जानते हैं, तो सबको घर बैठे बैठे ही संगत मिल गई। पहले तो शायद भवनों में सब जा भी नहीं पाते थे, क्योंकि हर फैमिली में कोई एक मेंबर निरंकारी है। अगर बहू निरंकारी है तो सास निरंकारी नहीं है, बहू उस घर में अकेले ही निरंकारी है। तो जब
कोई अकेला उस परिवार में निरंकारी होता है तो जो संसारी होते हैं तो वो सत्संग में जाने को मना भी कर देते हैं, क्योंकि तो संसार के लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, तो उनको एक ऑब्जेक्शन भी होता है कि सत्संग में क्यों जाते हो। तमाम तरह तरह के लोग आपत्ति भी जताते हैं। तो अब ऐसे समय में मोबाइल सबके हाथ में रहता है, तो जितनी हमारी माता बहनें हैं उनको एक बंदिश थी पहले कि उनके परिवार के लोग इस संगत में भवनों में जाने से रोका करते थे, लेकिन अब आज सदगुरु माता जी ने उन माता बहनों के लिए संगत सुलभ करवा दी। हाथ में मोबाइल है, जूम की लिंक मिल गई, तुरंत कनेक्ट हो जाइए, संगत कर लीजिए, तो बहुत बड़ी कृपा है। तो ये सदगुरु सारे संसार को तारता है अपने सेवक के द्वारा, कहे अवतार आज्ञा से उसकी तर सकता है कुल संसार। जिस सेवक को मालिक बख्शे महिमा उसकी अपरंपार, कहे अवतार आज्ञा से उसकी तर सकता है कुल संसार। कि फिर उस सेवक की आज्ञा से सारा संसार तर जाता है। तो सदगुरु ने सेवाएं बख्श दी, हम सबको सेवाएं दी हैं कि हम सबको संगत के साथ जोड़ें, सारे संसार को तारें, क्योंकि सदगुरु ने हमें तार दिया है, हमें भवसागर से पार उतार दिया, जीते जी हमें मुक्ति दे दी। तो हमने आगे से आगे इस पैगाम को, सत्य के प्रचार को बढ़ाना है, जिस भी माध्यम से हो, जैसा भी सदगुरु ने हमें तौफीक दी है, ताकत दी है, शक्ति दी है, तन से, मन से, धन से, तो हमने सदगुरु का प्रचार करना है, अपने कर्मों से प्रचार करना है, खुद भी सेवा सत्संग सिमरन करना है और सारे संसार को, सबको सेवा सत्संग सिमरन के साथ जोड़ना है। तो आओ प्यारी सत्संगत जी, सैंस आज यही समझा रहे हैं कि ऐसा सेवक जो होता है वो सारे संसार को तार देता है। तो आइए खुद भी तरें और सबको तारें, निरंतर खुद भी सेवा सत्संग सिमरन करें और सबको इस निराकार प्रभु के साथ में जोड़ते हुए चले जाएं। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।